अस्सलामुअलैकुम लाइव। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गुलजार अजरी स्कीम तक और मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो दरमियानी से तेज़ और बाज़ जगह काफ़ी हैवी रेनफॉल की इत्तला मिल रही हैं। क्लाउड्स बिल्डअप हो चुके हैं और ये अब हैवी रेनफॉल में भी कन्वर्ट होने के इम्कान हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड जो है वो बढ़ती आ रही है। अभी आप लोग ये देख सकते हैं, सुबह भी अपडेट करी थी आप लोगों और सब आगाज़ हो चुका है। यहाँ पे दरमियानी बारिश का गुलजार एजरी स्कीम 33 में ये लाइव आप लोग देख रहे हैं गुलजार एजरी से, और अपने अपने एरियाज़ की अपडेट्स आप लोग दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और या फेसबुक पर भी आप दे सकते हैं कमेंट्स में। तो इस वक्त यहाँ पे दरमियानी, वालेकुम अस्सलाम, दरमियानी इस वक्त जो है वो बारिश का आगाज़ हुआ है और कभी हल्की कभी तेज़ हो रही है। ये आहिस्ता आहिस्ता ये स्प्रेड हो रहे हैं, सेल्स साउथ वेस्ट से आ रहे हैं ये, और ये ट्रफ बेस्ड ट्रेन का जो है वो सिलसिला चल रहा है इस जुलाई में। बहुत अच्छी चीज़ है ये, यहाँ अमूमन रात में एक्टिव होती हैं, दिन में जो है वो इतना एक्टिविटी नहीं करती हैं ट्रफ्स। रात के अंदर इनके अंदर ज़्यादा एक्टिविटी होती है ऑफशोर ट्रफ्स में, जो कि अभी तक देखा गया है। ज़बरदस्त, आप लोग अगर चाहें तो वीडियो बना के भेज सकते हैं गुलजार एजरी स्कीम 33 की, तो आप लोग देख ही रहे हैं लाइव। और इस तो ये देख सकते हैं आप लोग, इस वक्त रात के तकरीबन 2:40 हो रहे हैं और लाइट रेन यहाँ पर अभी मेरी तरफ हो रही है। थोड़ी देर पहले कुछ हैवी हुई थी, तो सिलसिला जारी है। अच्छा, ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो रेनी सेल्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं और थ्रू आउट द सिटी बरस रहे हैं। किमाड़ी, डॉलमेन, नॉर्थ नाजमाबाद, एफ बी एरिया, यहाँ से हैवी रेन की इत्तलात हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ेगी रेन की। और ये आप देख सकते हैं कि तेज़ अब शुरू हो गई है स्पीड इसकी बारिश की। तो बहरहाल ये कल भी सिलसिला चलने की उम्मीद है और कल कराची में जो है वो थंडरस्टॉर्म भी बन सकता है दोपहर को, जिसकी तफसीलात जो है वो आज हमारे पे धूप छाव पे भी दी गई है। ये लाइव मनाजर आप लोग गुलजार एजरी स्कीम 33 से देख रहे हैं। हमदा बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम फरमान भाई। तो रडार पे इस टाइम क्लाउड्स डेवलप होते हुए दिख रहे हैं, जो कि ऑल ओवर द सिटी फैले हुए हैं और ये सुबह 8-9 तक एक्टिव रहने की उम्मीद है इस सिस्टम की। ये जो बादल है वक्फे वक्फे से रात भर कभी हल्की कभी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद आपको इकबाल भाई और फरहान भाई। आपकी तरफ भी होगी, साउथ की तरफ भी आ रही है बारिश। और फेडरल भी एरिया में इस वक्त काफ़ी तेज़ बारिश की इत्तला है, वहाँ 15 मिलीमीटर तकरीबन हो चुकी है।
वालेकुम अस्सलाम। और इस वक्त जो है वो बादल छाए हुए, कभी बूंदाबांदी कभी बारिश, ये चल रहा है कराची का वेदर। और ये जुलाई 1994 का रिकॉर्ड ब्रोक कर दिया है, काफ़ी जगहों में 300 मिलीमीटर तक हो चुकी है बारिश। ये लाइव मनाजर आप लोग देख रहे हैं गुलजार एजरी स्कीम 35 से, और फेडरल भी एरिया में सेंट्रल में बारिश है। अभी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्थ की तरफ मज़ीद बढ़ेगी, म्यांमार गुलजार एजरी, और इससे आगे की तरफ ये स्प्रिंकल्स हो रहे हैं अभी तेज़। ये आप लोग देखें ज़रा, इसमें शावर्स की तरह ये स्प्रिंकल गिर रहे हैं। देखें फरहान भाई, दिन में जो है वो थोड़ा हाई हीट इंडेक्स के साथ, दोपहर में थंडरस्टॉर्म के इम्कान हैं, जो कि हम आपको अपडेट कर देंगे जैसी उसकी फर्दर अपडेट्स होंगी। और काफ़ी सुहाना मौसम इस टाइम पे। ये अपडेट्स आप लोग देख रहे हैं गुलजार एजरी स्कीम 35 से, और यहाँ पे भी रेनफॉल इंटेंसिटी थोड़ी कम है, ड्रिजलिंग जैसा यहाँ पर जो है वो पोजीशन है, देख सकते हैं आप लोग, पानी भी खड़ा हुआ है ग्राउंड में। अभी थोड़ा क्लियर हुआ है, लेकिन ये दोबारा से स्पीड बढ़ जाएगी इसकी। तो बहरहाल एक अच्छा मानसून जो है वो कंटिन्यू करते हुए कराची के लिए, लोअर सिंध के लिए, आप लोग इस मौसम को एंजॉय करें। और ये रात में एक्टिव होता है ये ट्रफ आम तौर पे, तो कुछ जो है वो मानसून विंड्स कल सिंध में मज़ीद दाखिल होंगी, जिससे अपर सिंध सेंट्रल सिंध में बारिशों के इम्कान हैं, और कराची में जो है वो दोपहर के टाइम पे कुछ थंडर एक्टिविटी बनने के चांसेस हैं दोपहर से शाम के बीच में। तो उस हवाले से भी अपडेट आप लोगों को कर देंगे हम लोग। ये अपडेट्स आप लोग देख रहे हैं कराची वेदर ऑब्जर्वेटरी पर। तो अभी फिर से बारिश की जो है वो स्पीड कुछ बढ़ने लगी है, और ड्रिजल से ये लाइट रेन में कन्वर्ट हो गया है दोबारा सिलसिला। लेकिन नेक्स्ट स्पेल जो है वो हैवी स्पेल जो है, हैवी स्पेल हम कह सकते हैं कि अगस्त के पहले हफ्ते में उम्मीद है, इसमें प्लस माइनस हो सकता है, और कुछ दिन जो है वो ड्राई हो सकते हैं, लेकिन इस ये वाली एक्टिविटी चलेगी, ओवरकास्ट वेदर और ये ट्रफ बेस्ड रेन, ये जो है सिलसिले का आगाज़ रहेगा। तो आप इसको इन्जॉय करें, और बहुत जो तेज़ बारिश का सिलसिला है वो अगस्त के पहले हफ्ते में आने की उम्मीद है, उस हवाले से भी अपडेट आपको देंगे। नहीं अभी यहाँ हैवी नहीं हुई जनाब, लेकिन गुलशन इकबाल से हैवी रेन की रिपोर्ट है, फेडरल भी एरिया से हैवी रेन की रिपोर्ट है, वहाँ 16 मिलीमीटर हो गई है बारिश, तो बाकी जगहों पर भी हो जाएगी, क्योंकि बादल जो हैं वो अभी ये एक्सपेंड हो रहे हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट से ये आ रहे हैं बादल, तो एक्सपेंड हो रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे। नाजमाबाद की तरफ अभी तो इतला मिली है मुझे कि वहाँ हुई है मुख्तलिफ इलाकों में, तो आपकी तरफ अगर नहीं हुई है तो हो जाएगी, टाइम है अभी, काफ़ी टाइम है, एक्सपेंड हो रहे हैं बादल। यू वेलकम मोहम्मद यूसुफ।
ऊपर नाला जोन हो गए और ये एक्यूमुलेशन रेन एक्यूमुलेशन कहीं पे बहुत ज़्यादा है और कहीं पे थोड़ी कम है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता सेल कवर्स करेंगे और स्पीड इसकी मज़ीद बढ़ेगी। तो आप लोगों ने ज्वाइन किया है बहुत बहुत शुक्रिया, और मज़ीद अपडेट्स देने की हम कोशिश करेंगे आपको फर्दर। ये अपडेट्स आप लोग देख रहे हैं गुलजारी जी स्कीम 33, बहुत शुक्रिया आपका राहिल अहमद। आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, रिप्लाई में आपके मैं अपने ग्रुप का व्हाट्सएप लिंक छोड़ दिया है। अच्छा देखें, अब अगर कोई हैवी रेन होती है तो फिर मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा, फ़िलहाल मैं अभी अपडेट का आगाज रोक रहा हूँ, तो इंशाल्लाह होती है मुलाकात से। ये सेल्स मुख्तलिफ इलाकों में फैलेंगे और कहीं पे हैवी, कहीं पे मॉडरेट और कहीं पे लाइट रेन, मुख्तलिफ वेरिएबल इंटेंसिटी की रेनफॉल ये करेंगे, और कहीं कहीं पे जो है 50 मिलीमीटर जैसे ऊपर भी क्रॉस कर सकती है रेन। तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। मुझे वीडियोस बना के आप लोग भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो भेजिएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। कराची वेदर ऑब्जर्वेटरी की लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का बहुत बहुत शुक्रिया।